सिद्धार्थ शुक्ला के जीत से आखिर क्यों खुश नहीं है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा। इस कंटेस्टेंट को देखना चाहते थे एज बिग बॉस 13 विनर। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बल्कि किसी और के हाथों में देखना चाहते थे बिग बॉस 13 की ट्रॉफी। कौन है वो जिसे करणवीर करते हैं इतना ज्यादा पसंद, तो चलिए आपको बताते हैं। बिग बॉस 12 का हिस्सा रहे टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने सीजन 13 को करीब से फॉलो किया था। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला बने हैं, लेकिन कईयों को सिद्धार्थ शुक्ला की जीत से परेशानी हुई। अब एक्टर करणवीर बोहरा ने खुलासा किया है कि वो चाहते थे कि आसिम रियाज शो का विनर बने। करणवीर बोहरा ने आसिम रियाज का सपोर्ट चाहे किया हो, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 13 जीतने की बधाई भी दी है। वेबसाइट एंटरटेनमेंट बॉलीवुड बबल से बातचीत में करणवीर बोहरा ने कहा, मैं चाहता था कि बिग बॉस 13 आसिम रियाज जीते। मुझे उनकी जर्नी काफी पसंद आई। मुझे अच्छा लगा कि कैसे बिना किसी पहचान के साथ उन्होंने शो शुरू किया था। आसिम ने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को दिखाया, अपना स्टैंड लिया। टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने सिद्धार्थ शुक्ला को जीत की बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए अच्छा कमबैक है। करणवीर ने शो के बारे में बोलते हुए कहा, जो लोग जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही स्वीकारना चाहिए, लेकिन बिग बॉस हाउस में रहना आसान नहीं है, इसलिए जो भी लोग फिनाले तक पहुंचे हैं उन्हें मेरा सलाम है। आपको बता दें कि करणवीर बोहरा ने बिग बॉस सीजन 12 में पार्टिसिपेट किया था। वो शो के विनर नहीं बन पाए थे, लेकिन करणवीर ने अपनी जर्नी से सभी को इम्प्रेस किया। करणवीर बोहरा की शो में श्रीशांत से काफी लड़ाई हुआ करती थी। दोनों के बीच पहले अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में उनकी बात बात पर लड़ाई होने लगी। करणवीर बोहरा के ड्रेसिंग स्टाइल का भी सलमान खान खूब मजाक उड़ाया करते थे। तो व्यूअर्स, क्या आप भी सहमत हैं करणवीर बोहरा के इस स्टेटमेंट पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।